Assalamualaikum and welcome back to the channel. भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक है। आज जो है ना, हमको जाना है गाड़ी के पीछे बनवाना है केज, उसकी तैयारी में निकलते हैं। पहले तो मैं जो है ना जल्दी से तैयार होता हूँ, इसके बाद फिर निकलते हैं। आप लोग भी दिन स्टार्ट करें, मैं भी करता हूँ। ओके, कैसे हो? चलें भाई, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। बेगम कपड़े निकाल दीजिएगा, मैं नहा के निकलता हूँ। तैयार हो गया हूँ मैं, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि यार इतने दिन से जो है ना यही कलर की जो है ना इसके ऊपर स्टेप्स लगी हुई, आज चेंज कर लेता हूँ। एल्पाइन ग्रीन ली थी ना साथ, आज मैं ये लगा लेता हूँ। डड़ा चेंज कर दी भाई, और बहुत सूट कर रही है माशाल्लाह। रेड वाली से तो बहुत अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे मोबाइल का कवर भी इसी कलर का लेना पड़ेगा। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप लोग खाना खा लेना, क्योंकि आज कुछ पता नहीं है ना कि कितनी देर में काम होगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। एक और दिन, एक और मिशन। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को जिससे बात की थी ना, उसने मुझे कहा है कि अभी जोहर के बाद मैं आपको कंफर्म करूंगा कि मैं आपको फ्राइडे तक दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, एक चीज तो ये, लेकिन अभी हम मजीद भी वर्किंग करेंगे। अभी मैं आमिर भाई को लेने के लिए जा रहा हूँ, आमिर भाई को इन सब चीजों का जो है वो बहुत ज्यादा आइडिया है, फिर रेहान भाई को भी बहुत ज्यादा आइडिया है, तो मैं दोनों से मुलाकात करता हूँ और देखते हैं, क्योंकि मशवरों से ही जो है ना काम होते हैं। हमें तो जाहिर सी बात है इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम ये जो है वो करने जा रहे हैं, बल्कि फर्स्ट टाइम मैं नहीं, फर्स्ट टाइम कोई हिस्ट्री में कोई बंदा जो है ना इस तरह करने जा रहा होगा कि अपनी गाड़ी के पीछे केज बना के 16 बंदरों को यहाँ से वहां पूरा जो है ना लेके जाएगा। तो मतलब ये एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। ये जो आगे वाया सिल्वर कलर की ऑल्टो जा रही है ना, ये बंदे को अभी हमने पकड़ना है। सही है, अब इसको जो है ना हम लोग जरा ओवरटेक करते हैं और इसको साइड में लगवाते हैं। साइड में लगाओ बेटा, साइड में लगाए, आप जरा चालान करते हैं आपका। सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से ठीक ठाक है यार। लाइसेंस दिखाइएगा अपना। लाइसेंस तो नहीं है आपका? गाड़ी बंद होगी आपकी यार। भाई तफरी कर रहा था मैं, गाड़ी वाड़ी रोक, मैं कहा समी भाई मिल गए थे, काफी टाइम बाद आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर, बहुत पहले लास्ट आप लोगों ने देखा होगा इनको, तो उनसे मुलाकात होगी रास्ते में इत्तेफाकन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्लाह का शुक्र, एक और एडवेंचर की तैयारी है बंदरों को मूव करने की इंशाल्लाह। इसमें आपकी एक्सपर्टीज भी चाहिए इंशाल्लाह। मल्टीप्लाई 16 हो गए, एक की जगह 16 हो गए भाई। आमिर भाई की जो है ना भरपूर एक्सपर्टीज हम लेंगे, फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। डायपर्स तो हमने जो है ना बहुत सारी कंपनीज के देखे सामने गाड़ी के अंदर, इस वक्त जो है ना देखे डायपर जा रहे हैं, और डायपर का नाम क्या है? लंगोट। भाई कितना जबरदस्त नाम इन लोगों ने ढूंढा है, देखें आप, लंगोट, लंगोट नाम रख दिया डायपर का। अब जो है ना कोई बेगम अपने हस्बैंड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे यार वो लंगोट का एक पैकेट ले आना। पहुंचे हम लोग भाई, जरा मेजरमेंट ले रहे हैं आमिर भाई, देख रहे हैं सारा अंदाजा वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना अब केज को यहाँ बाहर तक निकालेंगे, यहाँ बाहर तक। असल में जो है ना हमारा मसला ये है कि हमारी जो ये जगह है ना ये भी जाया होगी ना, क्योंकि इसको छोड़ के हमें यहाँ से मेजरमेंट करनी पड़ेगी सारी। 6 फिट कर दें, सही है, 6 फिट कर दें। हाइट जितनी गाड़ी की है उतनी ही करें। हाँ, 3-3.5 तो होगी, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो बंदर भी ऊपर ही निकल जाएंगे, हवा में उड़ेंगे। ये देखें भाई, इससे बनेगा, ये है तार सारे ना गोल जो है ना, ऐसी देखें बनी बनाई जालियां भी होती हैं, इसको भी लेके जो है ना पूरा जंगला बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूती को इंश्योर करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना आप लोग कितनी मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं। अब देखें पूरी कैलकुलेशन हो रही है, रजिस्टर के ऊपर बनाया है पूरा इसका। कल रात में मिलेगा? अच्छा, मिल जाएगा, बिल्कुल रेडी। कल क्या दिन है? कल क्या दिन है? कलर तो नहीं है ना भाई, वेडनेसडे है ना, कल थर्सडे है, तो मतलब हमें जुम्मे को मतलब हम सुबह निकल सकते हैं। अच्छा भाई, हमने बोला एक्स्ट्रा लेबर लगा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन हमें जल्दी दे दो किसी तरीके से। फिर भाई हो गई बात सीट, कितने पैसे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 30,000 में आपको फिक्स करके दे दूंगा। अच्छा हैं, ओके भाईजान, ओके पर दे दें, आधे घंटे में आ रहा हूँ लेने के लिए पंजाब। 30,000 रुपए के अंदर जो है ना बातचीत हुई है, 30,000 रुपए के अंदर ये पूरा केज बन रहा है, ये सीटें वीटे उतारेंगे और ये पूरा हमें फिक्स करके देंगे, सब कुछ रेडी करके देंगे। यानी तस्वीर तो ले रहे हो, अपने चाचू को बोलो डिस्काउंट VIP करें कुछ। हाँ सही, बेफिक्र हो जाए ना अम्मी भाई, ऐसी मजबूती से वेल्डिंग करनी है कि 16 बंदर एक साथ जोर लगाए ना तो भी नहीं हिल सके। सही है ना, समी भाई फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे VIP, रात को खाना भी आपके साथ खाएंगे। सही है, चलें भाई, ओके भाईजान, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये सारे जो है ना इनकी दुकान पे कोई वर्कर नहीं है, सारे भतीजे और भाई हैं। ठीक है भाईजान, थैंक यू सो मच भाई, काम हो गया अपना VIP इंशाल्लाह। आपका भाई बहुत एक्साइटेड है भाईजान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आमिर भाई का ब्रेक खत्म हो गया और आमिर भाई जो है वो वापस अपनी शॉप पे जा रहे हैं, और मैं जो है वो जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आमिर भाई गाड़ी में चाबी भूल गए,
इनको दे के आते हैं जरा। ये ले भाई। ओके ओके। मैं सुबह निकला था और अभी ही देखें टाइम क्या हो रहा है, 6:15। पूरा दिन गुजर गया और मैंने कुछ भी नहीं खाया। टाइट वाली कोई जो है ना भूख लगी हुई है। घर से भी इतने सारे कॉल्स आ गए पूरे दिन में कि मुस्तफ़ा खाना खाने कब आओगे। अब फाइनली पहुंचा हूं मैं, देखते हैं घर पे खाने का क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक है मेरा बच्चा। मोहम्मद अहमद, ये किसकी गाड़ी है? मेरी। आपकी है? इसमें देखो यहाँ पे आप बैठोगे अब्दुल कभी, यहाँ मोहम्मद अहमद बैठेगा। बेगम बहुत भूख लग रही है, कोई टाइट वाली जल्दी से खाना ले आए प्लीज। चलो अब्दुल कभी चलो। ओहो मोहम्मद अहमद को देखे क्या हुआ? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद ये ले लो, मोहम्मद अहमद आप ये ले लो, आपके लिए छोटी वाली गाड़ी है, देखें बचपन में हम ऐसी गाड़ियों से खेलते थे भाई। मोहम्मद अहमद ये लो, आ आ आ खाओ ना। कितने ड्रामे होते हैं आजकल के बच्चे, ये देखें खाते नहीं कोई चीज, ये देखे नहीं, नहीं क्या नहीं। कर रहे हो अब्दुल कबीर? सही कर रहे हो, मम्मी का सिलाई मशीन सही कर रहा है भाई, ये सही है। लेकिन ड्रिल मशीन की वो कहाँ है आगे जो निकली हुई होती है। भाई अभी जो है ना मैंने खाना वाना खा लिया, मैं दोस्तों में जाना चाह रहा था, बेगम ने छुट्टी बंद कर दी थी, बोला पहले जो है ना अपना काम करें जरूरी, इसके बाद जाए। जरूरी काम क्या था ये देखें, सारे बर्तन धुल गए। बेगम अब जाऊं भाई, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है और अपने एक दोस्त के ऊपर जो है ना अभी छापा मारना है, ठीक है? छापा मारने के लिए जाना है भाई। अभी रिपोर्ट जो मिली है ना वो ये मिली है कि अब्दुल बासित भाई कहीं पे खाना निपटा रहे हैं, और जहां पे जिसके पास खाना निपटा रहे हैं ना उसने हमें रिपोर्ट दे दी है कि भाईजान आपका दोस्त अकेला निपटाने के लिए आ गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी जो है ना मैं आमिर को लेने जा रहा हूँ और इसके बाद जो है ना वहाँ पे छापा मारने के लिए जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं आज। आमिर भाई को भी जो है ना हमने पिक कर लिया। आमिर भाई क्या हाल है? कैसे है भाईजान? ठीक है, छापा मारने के लिए आप तैयार है ना? अब्दुल बासित भाई अकेले निपटा रहे हमारे बगैर। बासित भाई के ऊपर पेनल्टी मारनी है पूरी पुलिस, बड़ी वाली पेनल्टी लगाएंगे। और हम लोग पहुंच भी गए हैं जहां से रिपोर्ट आई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? किधर है रिपोर्ट आई? बंदा बैठा हुआ है यहाँ? रिपोर्ट आई है, बंदा पीछे बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, आ जाए पीछे, आ जाए पीछे, आ जाए। तो दूर से देखें, वो देखें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, कैसे अकेले मजे ले रहा है। हम पीछे से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मतलब जो है ना, मतलब दिल से बुरा। अच्छा ये देखे भाईजान, ये देखे और क्या चल रहा है, ये लाइम चौक लेमनेट चल रहा है। मतलब कैसे हो गया ऐसा? लोग हमारी दोस्ती की मिसालें देते हैं, पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कमेंट के ऊपर कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। ये तुमने क्या किया है? बहुत भूख लग रही थी, मतलब बहुत भूख लगी। मेरा घर यहाँ से कितना दूर है? 5 मिनट। मैं पैदल आता तो पहुँच जाता, तुमने अकेले हिम्मत कैसे की ये बताओ। अच्छा आपको क्या लगता है कि हमें रिपोर्ट नहीं मिल सकती? नहीं बाकी में नहीं मिलती भाईजान, हमारी बहुत जो है ना यहाँ पे रिपोर्ट देने वाले लोग हैं। अब ये बताएं आमिर भाई, पेनल्टी बनती है बड़ी? पेनल्टी ये बनती है कि ये जो खा रहा है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 3 से नहीं होगा सिर्फ, ये 1 महीने का जो है ना सेटअप इससे हमने लेना है। 1 महीने तक जहाँ पे भी हम लोग खाना खाएंगे ना उसके जो है ना पैसे अब्दुल बासित भाई की जेब से निकलेंगे। वैसे तुम दिल में क्या क्या बोल लोगे ना अभी कि यार मैं पहली मरतबा जिंदगी में सुकून से खाना खा रहा था और ये लोग कहाँ से आ गए? अच्छा ये अभी दो ऑर्डर और करनी है ना, लिमका और ये दो सब आएगा अभी, सब आएगा अभी। अब्दुल बासित बोल रहा है बस कर पगले रुलाएगा क्या यार, कोई मसला नहीं, हो जाता है, बंदा इंसान कभी गुजर रहा होता है, भूख लग जाती है तो हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बेटा बस तुमने खा लिया इतना। एक एक बोटी को तुमने देखा, धुआं निकल रहा था और तुम्हें भाई का याद नहीं आया है? मैंने किया खुद। अच्छा खुद से कर लिया। हाँ भाई डायनामाइट लिया के। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, जब एक चीज जो है ना कम होती है ना तो उसको खाने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। जब आप ज्यादा मंगा लें ना, अगर हमें भी हम 3 पैकेट मंगवा लेते, भाई का खर्चा करा देते ना, उसमें उतना मजा नहीं आता। ऐसे ही ना आज हमने ये नोट किया, ऐसे ही है बिल्कुल जबरदस्त। और दूसरा ये बासित भाई बोले आपके आने से मेरा फायदा हो गया, तो फायदा क्या हुआ? फायदा बेटा नहीं समझना, इसके भी पैसे आप ही दोगे, ये नहीं समझना कि इन्होंने मेरे लिए भिजवाया। हाँ पैसे पूरे दोगे। अब जो है ना हम लोग आ गए एयरपोर्ट के पास, सही है, क्योंकि आज जो अब्दुल बासित भाई ने मेरे साथ किया ना, बस मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, सही है, रहना ही नहीं मेरे को यहाँ पे, जहाँ पे जो है ना दोस्त ऐसे हों कि जो है ना वो अकेले अकेले खाना खाएं इस तरीके से। हैं आमिर भाई सही बात है ना, बस मैं जा रहा हूँ भाई, मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा वीजा लगा हुआ यूके का, सही भाईजान, फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। माफी मांग लो, अभी भी तो रुक जाऊंगा। ऐसे कौन कौन से मुल्क जा सकते हैं ऑन अराइवल? हैं ऑन अराइवल बॉस, तुम जल्दी से माफी मांग लो ना, ऐसी थोड़ी भाई, मैं जा सकता हूँ सऊदी और यूके, अभी भी माफी मांग लो तो मैं रुक जाऊंगा। तुम बोलो, अच्छा मुझे माफ कर दो भाई, दोबारा माफी मांगो सही से,
चलो छोड़ो यार, माफ कर दिया, टिकट का पैसा खर्चा हो जाता। रात का जो है ना 1:15 बज रहा है और आपका भाई आ गया घर पे। कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल हम कीकी को फाइनली लेके वापस आ जाएंगे, बहुत दिनों बाद आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। और कल हमारी गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा सा, मतलब फर्स्ट टाइम रेवो के ऊपर इतना बड़ा सा कोई केज जो है ना इंस्टॉल होने वाला है, तो बड़ा मजा आएगा। हो सकता है हम लोग परसों निकल जाए, 15 अगर हमें कल मिल जाएंगे तो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।